अब हम अलग अलग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व के ट्रीटमेंट को लेकर। सबसे पहले हमने डिसाइड किया है कि दो पार्टनर्स रखते हैं ए और बी, जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 है। और केस नंबर 1 है, फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व इन द बैलेंस शीट वॉज 75,000। बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व दे रखा है 75,000, और इतना बोलने के बाद में क्वेश्चन हो गया है साइलेंट। अब क्या मतलब है इस बात का? नीचे कोई एडजस्टमेंट नहीं दे रखी, कोई एडजस्टमेंट नहीं दे रखी तो इसका मतलब क्या है? यानी कि कोई भी लाइबिलिटी अराइज नहीं हुई, किसी कर्मचारी को कोई चोट नहीं पहुंची, किसी कर्मचारी को कोई क्षति नहीं देनी, तो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन के ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है तो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व हो गया मनमौजी। मनमौजी हो गया तो कहां जाएगा? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। सो व्हाट इज द जर्नल एंट्री? वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 75,000 टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। ये 75,000 को हम 1:1 में ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओल्ड रेशो कह लीजिए या नॉर्मल रेशो कह लीजिए, क्या अमाउंट आ जाएगा? 37,500 और कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में जाकर बैठ जाएगा बाय वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व के नाम से। केस नंबर 2, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व है 60,000 और लाइबिलिटी है 40,000। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व ज्यादा है, लाइबिलिटी कम है, लाइबिलिटी का भुगतान करने के बाद में वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व हो जाएगा मनमौजी, चला जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। और इस लाइबिलिटी का भुगतान हम कौन से अकाउंट से करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट से। तो दो जर्नल एंट्रीज होंगी। पहली जर्नल एंट्री, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट एंड टू एज कैपिटल अकाउंट एंड बीज कैपिटल अकाउंट। टोटल वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व कितना है हमारे पास में? 60,000। और इस 60,000 में से लाइबिलिटी कितनी हमारे पास में? 40,000। बाकी कितना अमाउंट बच गया जो फ्री है हमारे पास में? 20,000। और इस 20,000 को हम ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 1:1 एंड द अमाउंट विल बी 10,000 एंड 10,000। क्या ये एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई? नो, अभी हमारे पास इसका बी पार्ट भी है, लाइबिलिटी का भुगतान करना है। व्हाट इज द जर्नल एंट्री? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और कितने की लाइबिलिटी है जिसका हमें भुगतान करना है? 40,000। क्वेश्चन कंप्लीट। थर्ड, इसकी पोस्टिंग कैसे होगी? रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में बाय वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व 40,000, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व ए में 10,000, बी में 10,000, और रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में टू बैंक 40,000। ये भी हमें पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अमाउंट जाएगा कहाँ। तो रियलाइजेशन, ये हमेशा याद रखें, रियलाइजेशन अकाउंट का नाम क्रेडिट में है, इसका मतलब है रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट में जाएगा। किस नाम से जाएगा? जो उसके ऑपोजिट है, बाय WCR के नाम से। अमाउंट कौन सा आएगा? जो रियलाइजेशन के आगे लिखा है, वो सेम जो हमने 11th में लेजर पोस्टिंग के रूल्स पढ़े थे, उन्हीं को यूज करते हुए हमें इसकी पोस्टिंग करनी है। नाउ केस नंबर 3, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व 60,000, लाइबिलिटी भी 60,000। मौज करने का मौका ही नहीं मिलना, केवल लाइबिलिटी का भुगतान ही करते रह जाने। तो एंट्री क्या होगी? वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। रिजर्व कितना है हमारे पास में? 60,000। फिर रियलाइजेशन के आगे 60,000। पार्टनर्स को देने के लिए कुछ बच रहा है? नहीं, क्योंकि कोई रिजर्व मनमौजी है ही नहीं हमारे पास में, और लाइबिलिटी का भुगतान तो हमें करना ही करना पड़ेगा। तो लाइबिलिटी का भुगतान हम कैसे करते हैं? हमारे पास एंट्री क्या होती है? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। हमेशा करनी है एंट्री, तो जब भी हमारे पास लाइबिलिटी है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। एंड व्हाट इज द अमाउंट? 60,000 एंड 60,000। नाउ फोर्थ पार्ट, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व इज 60,000 एंड लाइबिलिटी इज 95,000। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व को भी क्रॉस कर गई लाइबिलिटी जो है, जो हमारी लाइबिलिटी है वो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व से ज़्यादा हो गई। तो भाई वर्कमैन कॉम्पेंसेशन की तो जितनी चादर है वो उतने पैर पसारेगा, तो हमारी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अमाउंट आ जाएगा 60,000। 60,000 वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व कह रहा है, भाई मेरे पास तो इतना ही है, ले लो मेरे से, और पैसा मैं दे नहीं सकता। लेकिन रियलाइजेशन अकाउंट को तो अपना पेमेंट करनी पड़ेगी, वो क्या करेगा एंट्री?
रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, उसको तो लाइबिलिटी कम हो तो पेमेंट करनी है, ज़्यादा हो तो पेमेंट करनी है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, लाइबिलिटी कितनी पे करनी है उसको, 95,000। वो कहता है भाई तू तो पल्ला झाड़ के बैठ गया, पर मेरे को तो खाता निपटाना है, इसलिए मुझे 95,000 की लाइबिलिटी का ही भुगतान करना पड़ेगा। सो दीज आर दी फोर केसेस। इसको रिवाइज करने के लिए आप कौन सा क्वेश्चन करेंगे? न्यू टी एस ग्रेवाल में इलस्ट्रेशन नंबर 4, पेज नंबर 8.7, उसमें वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व के अलग अलग केसेस दे रखे हैं। ओल्ड 2020 की बुक में है, पुरानी बुक में पेजेस एक आधा इधर उधर मिलेगा, लेकिन आपको मिल जाएगा जो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व की इलस्ट्रेशन होगी, उसे सॉल्व करके उसके आंसर्स मेरे साथ शेयर कीजिए। पेज नंबर 8.7 पर इलस्ट्रेशन नंबर 4 है, जिसमें वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व की ऐसी एडजस्टमेंट्स दे रखी हैं, और वीडियो को देखते ही उसे सॉल्व करके मेरे साथ उसका आंसर शेयर करें।